हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सृजन एंड नवीन बड़वी प्रेजेंट्स सृजन एंड नवीन व्लॉग्स। तो अभी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे गांव यानी मम्मी के गांव में यानी अयापुर में। तो यहां पर कैसे आए, क्यों आए और कहां पर गए हैं, आपको ये व्लॉग और दूसरे सेकंड पार्ट पे देखने मिल जाएगा। तो पहले तो हम निकल गए थे यहाँ से धारवाड़ से अयनापुर के लिए रेलवे स्टेशन में को जाने के लिए, वो भी कार में। और वहाँ पर मैं कुछ शूट कर रहा था जिसमें वॉइस नहीं आया है, सॉरी, क्योंकि मैंने जानबूझकर किया था शायद से। फिर हम निकल गए रेलवे स्टेशन को। तो फिर ये देखिए हम रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं। फिर हम पास आ गए थे हमारे गांव को और फिर तब हम उतर गए एक गांव को, ओके, उसका नाम था कुर्ची। तो वहां पर दो भैया आ चुके थे हमको लेने बाइक पे, तो हम फिर घर पे आ चुके थे। उसके बाद हमने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गए थे हम। 3 दिन तक व्लॉग नहीं किया। हाँ। और व्लॉग किया अभी है कल हमने शायद से। हाँ, हम गए थे खल एक टेंपल पे, मतलब उसका नाम है औंध एलमा जो कि है महाराष्ट्र में, ओके, वो एक पहाड़ में है। दिस इज आफ्टर 4 days और 5 days व्लॉग नहीं कर पाया। ट्रेन से आने के बाद हम गांव आ गए और उसके बाद हम कहीं गए ही नहीं। और आज हम जा रहे हैं औंध महाराष्ट्र में, औंध है वहाँ पर एक देवी का मंदिर है, वहाँ पर ही हम जा रहे हैं। अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मैं उठ गया था सुबह के 5:30 को और अभी हम तैयार होके जा रहे। उससे पहले हम गए थे एक वहाँ औंध में ही एक लक्ष्मी देवी का टेंपल है, वहाँ पर हम, यहाँ पर एक मंदिर है, ये मेन वाला मंदिर नहीं है। वहाँ पर जाने से पहले हम यहाँ पर जाते हैं। तो और ये है नवीन जो कि चश्मा पहना, वो इतना बड़ा था ना राज। हाँ, और उसके बाद हम गए औंध मेन लम्मा के यहाँ पर, और पर वहाँ पर रिकॉर्डिंग अंदर का मूर्ति का अलाउड नहीं था, तो हमने नहीं कर पाया या मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि इसने तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ कराया तो मैंने ही।
इस जगह पर अगर हम कुछ मन में सोचे तो ये पत्थर अगर वो चीज़ सच में होने वाली है तो आसानी से घूम जाएगा, वरना नहीं घूमेगा। और उसके बाद हम गए हैं अरग के लक्ष्मी देवी के यहाँ। वो भी एक मंदिर है यहाँ पर, जो वो भी महाराष्ट्र में। रुकिए, उससे पहले हम गए औंध के बाहर आते आते म्यूजियम में, जहाँ पर अंदर रिकॉर्डिंग करना अलग नहीं था। वहाँ से हम बाहर आए और फिर हम लंच करने बैठ गए। वहाँ एक पार्क था वहाँ पर, और फिर उसके बाहर म्यूजियम के बाहर एक स्टॉल था, वहाँ एक बॉल था, मतलब एक स्टॉल था वहाँ पर। मैंने लिया एक, और इससे वो खेल रहा है और हमारा दिमाग खराब पर। जब हम म्यूजियम के बाहर आए, वहाँ पर एक छोटा सा शॉप टाइप था और वहाँ चश्मे लगे थे, चश्मा, और वो मुझे चाहिए, गॉगल्स बोल सकते हो, वो मुझे चाहिए था। पर वो हम लेने जा रहे थे तभी आ गया बारिश, और फिर मैं रुट गया और गुस्से से वहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि वो उसके ऊपर छत नहीं था उस शॉप के, सिर्फ वो बैठे थे वहीं पर। तो मम्मी ने बोला कि हम लेंगे एक और मंदिर के स्टॉल में, जो कि है मंसूरली। वहाँ से हम गए एक और मंदिर पे, वो है मंसूरली मल्लैया, द डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका और महाराष्ट्र, नहीं स्टेट कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर में। तो वहाँ हम गए, वहाँ बहुत ही सारे दुकान थे, 100 से भी ज़्यादा। ओके, वहाँ पर हमने आइसक्रीम, वहाँ पर मेला लगा था। हाँ, मेला लगा था जो कि आप अभी देख रहे हो। ओके, वहाँ पर मम्मी ने बोला था कि यहाँ पर हम चश्मा लेंगे, लेकिन यहाँ तो चश्मा मिलेगा ही नहीं, क्यों? फिर से मैं रुक गया और फिर वहाँ पर वहाँ से चला गया, और फिर हमारे भैया ने सबके लिए कुल्फी यानी आइसक्रीम लेकर दिया। उसके बाद हमने लिया ए, मेरे पास भी ये देख लिया, रुद्राक्ष शिवा का। हमने ये लिया पर भैया तो रूठे रहे, और फिर मम्मी ने थोड़ा पैसा दिया। पैसा नहीं दिया, कल भी हम कहीं पर जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ लेने हैं। हाँ, वहाँ पर हम जा रहे हैं थोड़ा लेट करके। तो वहाँ से हम जा चुके थे और हम आ चुके थे यहाँ पर, और टाइम बज रहा था 7:30। हाँ, तो हम, और इसके बाद जो भी होगा अभी तक हुआ नहीं है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में ऑफ अवर व्लॉग सीरीज ऑफ आइनापुर। बाय।